वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बच्चों, हमने अभी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को देखा। इन दोनों त्रिज्याखंडों की परिसीमाएं वृत्त का चाप होती हैं। यहाँ त्रिज्याखंड OABC की परिसीमा चाप AB तथा त्रिज्याखंड OBCA की परिसीमा चाप BCA है। माना चाप AB केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है, तब ज्यामिति से चाप की लंबाई उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समानुपाती होती है। चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि बराबर थीटा बटे 360 अंश। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित वृत्त की परिधि। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित 2 पाई आर। इसी प्रकार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याओं के मध्य अंतरस्थ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समानुपाती होता है। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर का वर्ग।